जम्मू कश्मीर में धारा 144 के तहत इंटरनेट पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि किसी भी याचिकाकर्ता ने इस पर अपने आर्गुमेंट नहीं रखे कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट है कि नहीं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 28 में स्पष्ट कही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो इस जजमेंट में रही, वो ये कि आर्टिकल 19(1)(g) यानी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस का जो अधिकार है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 19(2) के तहत जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो हैंड टू हैंड साथ चलेंगे, वो प्रावधान भी इसके साथ स्पष्ट लागू रहेंगे। ये बात कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 24 में स्पष्ट कही है। दरअसल ये पहले से ही एस्टेब्लिश्ड लॉ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन को कोई राहत इस फैसले से नहीं मिली। कोर्ट ने मीडिया राइट्स को तो माना, लेकिन यह भी माना कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल मीडिया राइट्स पर पाबंदी के कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं, यानी साफ है कि अनुराधा भसीन को इस फैसले से कोई राहत नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के बारे में स्टेट अथॉरिटीज को निर्णय का अधिकार दिया है, यह भी कि वो इंटरनेट पर पाबंदी लगा सकती हैं, लेकिन इसके पीछे अगर तर्क संगत कारण हो और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, उसका अनुपात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि यह सही है कि इंटरनेट बैन लंबा नहीं होना चाहिए, कोई भी तर्कशील इंसान ऐसे ब्लैंकेट बैन को सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन राइट टू लाइफ, राइट टू फेसबुक, राइट टू व्हाट्सएप से ज्यादा जरूरी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इंटरनेट पर पाबंदी का अंतिम फैसला सरकार के पास ही रहेगा, वो फैक्ट्स और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इसका अंतिम फैसला करेगी। यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट का इस्तेमाल भावनाएं भड़काने और अफवाह फैलाने के लिए किया जाता रहा है, जिसका नतीजा हमेशा इंसानी जिंदगी गंवाने में सामने आता है। 2016 में बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले थे। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को जो रिलीफ दी है वो ये है कि इंटरनेट और अन्य पाबंदियों पर रिव्यू की व्यवस्था होगी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाने वाले कानून की स्क्रूटनी के लिए रिव्यू स्ट्रक्चर स्थापित होना जरूरी है। अगर पाबंदी लगाने में कोई तर्कसंगत कमियां हैं तो इसकी गाइडलाइंस बनाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने तर्कसंगत पाबंदियों को सही माना है, बस उसे लागू करने की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने को कहा है ताकि नियमों का दुरुपयोग ना हो। इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर जो फिलहाल पाबंदियां हैं उसमें तुरंत कल से ही फिलहाल कोई मटेरियल चेंज नहीं होने जा रहा। सरकार को फिलहाल एक रिव्यू कमेटी बनाने को कहा गया है, वो तय करेगी कि इंटरनेट पर पाबंदी आगे रहेगी या नहीं।